लाजवंती, I'm sorry. तुम जैसा कहता है मैं वैसा नहीं कर सकता. You know, पापा मेरे को लाइक नहीं करते. वो नहीं चाहता कि मैं अबे का साथ रहूं. And अबे भी मेरा ऊपर बिलीव नहीं करता. मैं यहाँ नहीं रुक सकता लाजवंती. लीसा जी सुनिए तो सही. लीसा जी, मम्मी जी, वो लीसा जी घर छोड़कर जा रही है. मम्मी जी, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है. और उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है. मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लीजा से दूर रहना. क्या तुम ये भूल गई लाजवंती कि उसने एक बार हमारे बेटे उदय की जिंदगी खतरे में डाली थी, और उसके बाद भी तुम्हें लीजा की ही फिक्र है? लेकिन मम्मी, चुप रहो लाजवंती. लीजा की फिक्र करना छोड़ दो और अपनी गृहस्थी संभालो. देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो. अपने अपने कर्मों का फल होता है जो सबको भुगतना होता है. हो सकता है कि लीजा ने जो तुम्हारे साथ गलत किया उसी का वो भुगत रही है, तो उसे ही भुगतने दो. हमें बीच में आने की क्या जरूरत है? बस अब मेरे साथ नीचे चलो और लीजा को बाय बाय कहो. आओ. उदय और लाजवंती को अलग करने की मेरी चाल को मात देने का मतलब क्या होता है, ये लीजा को अब पता चलेगा. अब मैं क्या करूं? क्या वाकई उदय और लाजवंती को नजदीक लाने वाली लीजा है? रेखा आंटी, आपने मुझे थैंक्स नहीं बोला. आई बॉट योर बहू बैक एज पर योर विश. रात को कुछ खा लिया था, इसके लिए थोड़ा पेट दर्द हो गया. ग्रैंड मॉम, मेरा पास लाजवंती रह सकता है. लीजा, तुम इस तरह घर छोड़कर नहीं जा सकती. ये सब क्या है दादी? वो रमा, क्या है ये सब? सब चुप क्यों है? कोई मुझे बताता क्यों नहीं कि? मैं बताती हूँ मम्मी जी. कल लीजा और रणबीर भाई साहब में बहुत बड़ी बहस हुई. बात इतनी बढ़ गई कि अभय ने लीजा पे हाथ उठा दिया. लेकिन अभय ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया. कल अगर लाजवंती मेरे और रंजीत के साथ इसी तरीका व्यवहार करती
तो उदय भी यही करता। अगर हमारी घर की बहू हमें इस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दे तो हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे मम्मी जी। लीजा पुत्र, रणबीर अभिमानी और जिद्दी जरूर है, लेकिन पुत्र मन का बड़ा साफ है। देख पुत्र, तूने रणबीर को दुख तो पहुंचाया है, गलती तो तुझसे हुई है पुत्र। अब ये तेरे ऊपर है कि तू माफी मांगकर इस बात को खत्म करना चाहती है कि नहीं। But grandmom, मेरा कोई गलती नहीं है। ये तो हद होगी, मम्मी जी की रिस्पेक्ट तो आजकल के बच्चे करते ही नहीं है। रेखा, लीजा को समझाने की बजाय तुम। रमा, लीजा को समझाने की जरूरत नहीं है, वो कोई बच्ची नहीं है पुत्र, विदेश में रही हुई है, वो जानती है कि वो क्या कर रही है। अब इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा। लीजा पुत्र, तुझे जो ठीक लगे ना वही कर। Take care of them. लाजवंती को अलग करने की मेरी चाल को मात देने का मतलब क्या होता है ये लीजा को अब पता चलेगा। जाओ लीजा, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। लीजा मुझसे माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन मैं लीजा को माफ करता हूं। अगर मां बाप अपने बच्चों को माफ ना करें तो बच्चों को जिंदगी में सही राह कहां से मिलेगी। लीजा मेरी बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है, इसलिए इसे माफ करना मेरा फर्ज भी है और धर्म भी।
और वैसे भी मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। जाओ बेटा, लीजा को ऊपर ले जाओ, ये अब कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ इसी घर में रहेगी। जाओ बेटा। सुना लीजा, डैड क्या कह रहे हैं? तुमने उन पर इल्जाम लगाया, उनकी इंसल्ट की, फिर भी वो हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं। इसे कहते हैं बड़ों का प्यार। तुम्हें अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए लीजा। But I'm not wrong. चुप रहो, बहुत हो चुका। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये नहीं जान पाई कि मेरे डैड कितने अच्छे हैं। इतनी गलतियां करने के बावजूद फिर भी तुम्हें माफ कर रहे हैं। You should be thankful for that. शांत हो जाओ बेटा। देखो मैं तुम्हें गुस्से में नहीं देख सकता और ना ही दुखी। अब मेरे बच्चों के लिए मेरे मन में क्या जज्बात हैं, उन्हें शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और मेरे लिए तुम्हारे खुशियों से ज्यादा इस दुनिया में और कुछ नहीं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि लीजा तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी जिंदगी है। जानता हूं मैं बेटा। लीजा अपने कमरे में जाओ बेटा। ताई जी, आपने बहुत अच्छा किया जो लीजा को रोक लिया। थैंक यू बेटा। ये तो रणबीर, आज तूने मेरे पुत्र जैसे बात कर दी। लो साहब, हद कर दिया आपने। अरे साहब, आपके पुत्र हैं तो आपकी जैसी तो बात करेंगे, है कि नहीं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। अब तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। अबे, मैं भी नहीं जाना चाहता था, but I did not have any choice. You did not trust me, and तुम ये भी जानता है that without you, your love and your support, I'm nothing. मेरा पास तुम्हारा अलावा क्या है? Nothing at all. And तुम भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा तो अबे मैं बहुत टेंशन में था, मैं जा रहा था एंड तुमने मुझे रोका भी नहीं। You did not take my side in front of your family. कुछ टाइम के लिए मुझे लगा दैट आई एम अलोन एंड योर पापा। स्टॉप इट लीजा, प्लीज अब इस टॉपिक को फिर से शुरू मत कर। मैंने बार बार तुम्हें बताया कि डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और आज उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया कि ही हैज नथिंग अगेंस्ट यू।
डैड तो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम सब साथ साथ रहें, खुश रहें। अगर डैड नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें तो वो तुम्हें घर छोड़ने से रोकते नहीं। उनके बारे में ऐसी बातें करने के बजाय तुम्हें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको थैंक्स करना चाहिए। बट अबे, लास्ट टाइम भी तुम्हारा पापा मेरे ऊपर चोरी का ब्लेम। स्टॉप इट लीजा, ये बात यहीं खत्म होती है। अब ज्यादा कुछ कहने से या करने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। मैं जानता हूं डैड तुम्हारे खिलाफ नहीं है। अच्छा होगा अब तुम भी ये समझ जाओ। तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे रिश्ते के लिए भी। I love you, Abhi. But please, don't stop loving me. सुनिए जी, मैं आपका टिफिन ला दूं? नहीं लाजवंती, वैसे भी अब बहुत देर हो गई है, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। लाजवंती, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम आ जाना। मम्मी जी, आपका इतना बड़ा प्लान फ्लॉप कैसे हो गया? आई मीन मम्मी जी, आपने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी, इतनी बढ़िया चाल चली थी, लेकिन ताया जी ने सब पर पानी फेर दिया। जबकि ताया जी खुद लीजा से छुटकारा पाना चाहते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालना जो। मेरा प्लान फेल हो गया होगा, लेकिन मैंने अपना मकसद अभी तक नहीं छोड़ा। ऑफ कोर्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी। मैं तो बस यूं ही एक बात कह रही थी कि बस इनफ, अब कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगी? जी ऑफ कोर्स मम्मी जी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर रणबीर भाई साहब का लीजा को रोकने का मकसद क्या हो सकता है।